नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही वर्ग 3 रिलेटेड। दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का लेटर आया। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वेटिंग लिस्ट आने वाली है, क्योंकि हमने खुद जो है विभाग में जाकर की जानकारी लिया था, उन्होंने पदवृद्धि के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया था और OBC होल्ड के लिए, लेकिन प्रतीक्षा सूची के लिए उन्होंने बोला था कि हम जारी करेंगे। और ये चीज़ मैं 3-4 बार वीडियो बना के दिया हूँ दोस्तों आप लोगों को। आज देखो जारी हुआ आदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी जिन जिलों के नाम है वहाँ पर ये वेटिंग लिस्ट आने वाली है प्राथमिक शिक्षक के नियुक्ति आदेश जारी करने के संबंध में। साथियों, उपरोक्त विषय अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत 26/11/2022 के जारी विज्ञापन के क्रम में विज्ञापित पदों के आधार पर जारी नियुक्ति आदेश के संदर्भ में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों से उद्भूत प्रवर्गवार रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में प्रतीक्षा सूची से प्रवर्गवार पात्र पाए गए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश को आज ही जारी कर एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करें एवं इस कार्यालय के ईमेल ID पर जो है उपलब्ध कराएं। यानी दोस्तों, जिलों की संख्या दी गई है, जिलों में पदों की संख्या दी गई है। जैसे आगर मालवा से 3 अभ्यर्थियों का जो वेटिंग लिस्ट में नाम आना है, अशोकनगर से 3, छतरपुर से 12, दमोह से 9, दतिया, गुना, खंडवा, आप लोग देख सकते हैं 23 जिलों में कुल मिलाकर 155 पदों पर जो DPI की वेटिंग लिस्ट आने वाली है। यदि कोई समस्या हो तो तत्काल तथ्यात्मक स्थिति के साथ इस कार्यालय को अवगत कराएं और आदेश प्रारूप और अभ्यर्थियों की सूची। ये अनुभव श्रीवास्तव, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश। दोस्तों, वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग की वेटिंग लिस्ट जारी होने वाली है। दोस्तों, आज 5 अक्टूबर को लेटेस्ट अपडेट आया है, यानी कल 6 अक्टूबर को जो दोस्तों समथिंग जो है 12-1 बजे या कल देर शाम तक समस्त जिलों के नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे जिनका नाम प्रतीक्षा सूची में, दोस्तों उन लोगों के नाम। लेकिन आपको बता दूं मैं, DPI में कुल 155 पदों पर वेटिंग लिस्ट क्लियर होने वाली है, सेकंड काउंसलिंग में 155 पद। अब इसमें कितने ST, कितने SC, OBC, जनरल, EWS, कितने गेस्ट, कितने नॉन गेस्ट, इसके डेटा क्लियर नहीं दोस्तों। ये भी जब लिस्ट आएगी तभी क्लियर हो पाएगा, क्योंकि बहुत कम पद हैं, एक एक जिले में 2-2, 3-3 पद हैं। हो सकता है कि दोनों पद जनरल के हों या ST के हों, SC के हो सकते हैं, या गेस्ट नॉन गेस्ट, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बट इतना ज़रूर है 155 पदों पर जो वेटिंग लिस्ट आप लोगों की कल जारी होने वाली, बहुत बड़ी ये बात है दोस्तों। चुनाव के पहले वेटिंग क्लियर हो रही, अन्यथा बहुत समस्या थी, 4 महीने आप लोग लेट हो जाते। इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। प्रत्येक अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप ग्रुप से जरूर जुड़ सकते हैं।